हेलो नमस्ते गाइस। तो आज मैं आया था, इधर संडे था क्रिकेट खेलने, और जो है मेरी RX 100 का जो है बैरिंग जो है वो टूट गई है, तो अब ये चल नहीं रही है। अब इसको कासिम भाई पे ले जाएंगे और देखते कितने का खर्चा आता है। मैं जो है इसको ग्राउंड से दूर तो ले आया, पर पता नहीं अब इतनी दूर मैंने दोस्तों को बुलाया तो है, अब देखो वो आ रहे हैं फिर ले जाते हैं इसको, चल भी नहीं रही। इसका चेन गार्ड भी टूट गया है, बैरिंग भी टूट गई, भारी खर्चा हो गया। देखो गाइस मैं इसे धक्का मारते हुए 300-400 मीटर तो ले आया, अब आ रही है पता नहीं कहाँ रह गया। रोड का हाल देखो, अब मुझे उतनी दूर तक जाना है इतने गंदे रोड में धक्का देते हुए। ये देखो लोकेश, अब जो है लोकेश धक्का मार के ले जा रहा है। बढ़िया लोकेश, बड़े लेट आए साले दल्ले। तो भाई हम फाइनली आ गए कासिम भाई की नई दुकान पे। पहले तो रोड पे थी, अब तो ये बहुत स्पेशियस है। ये इधर वॉशिंग भी होती है। कासिम भाई ने हमें बुलाया था शाम में आने को, इन्होंने टच भी नहीं करा इसको और बाइक भी नहीं बनाई। अब पता नहीं कितनी दिनों में ये बाइक बना के देंगे। मेरी बाइक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से बहुत सारी बाइक हैं, तो मेरी बाइक का नंबर पता नहीं कब आएगा। उधर से 1-2-3 ऑटोग्राफ लेने बाद में आना। गाइस आया था मैं अपनी बाइक सर्विस से वापस लेने, और अब हैप्पी भैया की बाइक लेके जा रहा हूँ। 3 दिन हो गए और अब तक बाइक बनी नहीं है इनसे, मतलब बन गई है दे नहीं रहे। ये देखो भाई, ये होंडा एक्सट्रीम थी, अब इसका लेग पैड ये लगाने ही भूल गए, सर्विस कर दी पूरी, लेग पैड नहीं लगाया। बढ़िया लग रहे भाई। मैं बाइक तो ले आया था कासिम भाई से, पर कासिम भाई ने इसका लेफ्ट शीशा गायब कर दिया, और जो इसकी प्राइसिंग है वो बताया ही नहीं। तो अभी चल के देखते हैं, पूछते हैं क्या प्राइस हुआ। आ तो गए कासिम भाई के पास, पर अभी वो स्कूटी में लगे हुए हैं भाई। तो जो भी है नज़रगढ़ से, वो अपनी बाइक की सर्विसिंग, टू व्हीलर के तो बहुत अच्छे व्हीकल है, मैकेनिक है भाई, इन पे आया करो। जो मडगा टूट गया था वो तो भाई ने हटा दिया है, और अंदर की जो गरारियाँ थी वो भी नहीं लगा दी है। अब इनका प्राइसिंग पूछ लेते एक बार कितना हुआ। इतनी भीड़ थी काम ही नहीं हुआ, आधा घंटा इंतज़ार किया फिर भी नहीं हुआ। तो गाइस वो जो चेन की गरारियाँ थी वो इधर अंदर में टूटी थी, और चेन की जो गरारियाँ हैं वो कुछ 450 रुपये में सही करके दिए कासिम भाई ने। उनको टाइम नहीं मिल रहा था तो बता नहीं पा रहे थे, तो थैंक यू सो मच।